विचार किया कि हम अपने जीवन में 14 से 15 किलोमीटर एक दिन में चल पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता सपने में भी कभी हाँ बोलते हैं। उसने हमसे करवाया और हमने उस दिन किया, हाथ में कलश लेकर रवि जी महाराज जी कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। आप जब जीवन में नहीं थे तो हमारी माता जी हमेशा कहती थी शंकर जी का उपवास करना लड़कियों के लिए बहुत फलदायक रहता है। तो 16 व्रत करने की जगह मैंने 5 साल व्रत किया और रवि जी शंकर भगवान ने भोलेनाथ ने आपको जीवन दिया कि जिनको किसानों के प्रति गरीबों के प्रति जो जरूरतमंद है उनके प्रति अपने क्षेत्र में हमने क्या करना चाहिए, लोगों को किस चीज से फायदा होगा उसके प्रति विचार करने वाला जीवन साथी में दिया। मैंने भोलेनाथ को बहुत जल्द किसी को पता नहीं इसकी जिंदगी में कैसा होगा। भोलेनाथ भगवान एक ही कहते हैं, अगर करेगा वो जो तेरी इच्छा है तो होगा वो जो मेरी इच्छा है, अगर करेगा वो जो मेरी इच्छा है तो होगा वो जो तेरी इच्छा है। तो मुझे लगता है जो उनकी इच्छा है, जो भगवान की इच्छा है वो हमें करना चाहिए, तो होगा वही जो हमारी इच्छा है। अपेक्षा जिंदगी में कभी कभी खत्म नहीं होगी। मैंने बहुत साधारण जिंदगी में पिछले 12-13 वर्षों में बहू करके अमरावती के लोगों के साथ रहकर लोगों के बीच रहकर सेवा करने का प्रण लिया और तब से लेकर आज तक वही कर रही हूं। उसके पहले भी बहुत साल मैं यही काम अपनी जिंदगी में करते आई हूं। मैंने हमेशा देखा है अगर आंसू निकालने हैं, अगर आंसू बहाने हैं तो किसी के सामने ना बहाना। अगर अपने आंसू बहाने हैं तो किसी के सामने मत बहाना, वो आंसुओं का फायदा जरूर उठाएगा। अगर आंसू निकालने हैं तो उसके सामने निकालना, वो आपकी इच्छाओं को आशीर्वाद करके आपके सर जरूर देगा। ये मेरा अनुभव है जिंदगी में, खुद ही हम सब करते हैं, खुद के घर बनाने के लिए हम सब करते हैं। मेरे पास बड़ी गाड़ी हो सब बोलते हैं, मेरे पास बड़ा घर हो सब चाहते हैं, मेरे बच्चे का अच्छा हो सब चाहते हैं, पर बाजू वाला अगर भूखा सोता है तो भगवान हमें कभी आशीर्वाद नहीं दे सकता है। किसी का पेट भरना, महाराज ने इस तरीके से अपने मन से कहा है, अपने पेट से भी रवि जी चुनचुनी उड़न की शिक्ष ले लिया है कि आपला पेट फटा जर भूख जरी लागली असन दुसऱ्यांचा पोट जर भरलं ते सगळ्यात मोठा आनंदाचा क्षण तेव्हा असते जेव्हा लोकांचे डोळ्यात चांगले पद्धतीचे आसन ते डोळ्यामध्ये ते सुमचंकणे येऊन या अमरावतीमध्ये रवी जी ने नेहमी म्हणतात गरिबी आली तर लालाजाची नाही। अरे मी काय खाल्लंय, मी काय निसलंय, मी माझ्या घरात सगळ्यात मोठा देव जर मानत असेल रवी जी तो मला वाटते एकाने जन्म दिला की माझी आई वडील आणि एकाने जीवन साथी दिला म्हणजे माझे सासरे सकाळी उठल्यावर जर त्यांच्यासोबत दोन शब्द प्रेमाचे आपण बोलले देवता आपल्याला नक्की आपल्या पत्रात आशीर्वाद देतील, पण ज्यांनी जन्म आणि अन्न दिलाय त्या माता जर आपण उचलं तर मला नाही वाटत आपले जीवन आयुष्यात कधीही कमतरता पडणार। ते आपण सगळ्यांनी आणि आमच्यासारख्या युवकांनी नक्की हे संस्कार आपल्या पत्रात बांधले पाहिजे आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद आणि प्रेम पाठीशी आहे। कोणाला वाटते की या कथा करून आम्ही अमरावतीमध्ये जे पवित्र भूमी आहे सर आप लोग सभी दूसरे जगह से हैं, दूसरे राज्य से हैं, पर हमारे यहाँ पे किसान जो खेती करते हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए हमेशा अमी लल्लो एक पाव अपना पुड़े छोड़ो। दिवाली आई तो लोगों के घर में एक से डेढ़ लाख लोगों के घर में किराना पहुंचाने का काम रवि जी करते हैं। क्या मेरे घर खुशियों का दिवाली होती है, खुशियों की दिया लगता है, तो मेरे हर व्यक्ति के घर में भी वो खुशियों का दिया लगना चाहिए। उसके लिए रवि जी हर साल गेल्या 15 वर्षापासून एक जे दिवाळीचं गोडवा निर्माण करण्याचं काम करता है। आणि मी आपल्या सगळ्यांना
कोणाला असं वाटतं की आपण ही महापुराण घेऊन आपल्याला सगळ्यांना आनंद आला, त्यांनी हात वरती करून नक्की रवीजींना आशीर्वाद द्या. एवढी सगळ्यांना आम्ही भाविक बंधूंना विनंती करते.